नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं तानाजी वर्सेस बाहुबली वर्सेस केजीएफ डे 24 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन तीनों फिल्मों की 24वें दिन की कमाई, और साथ ही साथ बताएंगे 24वें दिन इन तीनों में से कौन सी फिल्म ने किस ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं केजीएफ फिल्म की। दोस्तों, केजीएफ एक एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसके राइटर और डायरेक्टर थे प्रशांत नील और इसे प्रोड्यूस किया था विजय ने, और इसकी स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। और दोस्तों, इस फिल्म का बजट था लगभग 80 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 80 करोड़। और आपको बता दें, इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार कमाई की थी और धमाकेदार कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर। और अगर बात करें इसके 24वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें, इसने अपने 24वें दिन कमाए थे लगभग 2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़। और आइए अब बात करते हैं बाहुबली फिल्म की। दोस्तों, बाहुबली एक फैंटेसी इपिक एक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया था एसएस राजामौली ने और इस फिल्म की कहानी को लिखा था केवी विजेंद्र प्रसाद ने, और इस फिल्म की स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार प्रभास, राणा डग्गुबती, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नसर जैसे एक्टर्स। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही बहुत ही शानदार रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला था। और दोस्तों, आपको बता दें कि बाहुबली एक बड़े बजट की फिल्म थी, इस फिल्म का बजट था लगभग 180 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 180 करोड़। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ताबड़तोड़ कमाई की थी और ताबड़तोड़ कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर। और अगर बात करें इसके 24वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें, इसने अपने 24वें दिन कमाए थे लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ 40 लाख। और आइए अब बात करते हैं तानाजी फिल्म की। दोस्तों, तानाजी एक बायोग्राफिकल पीरियड एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्टर है ओम राउत और इस फिल्म को लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म आधारित है तानाजी मालुसरे के जीवन पर, जो कि मराठा सेना के वीर योद्धा थे। इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, भूषण कुमार, किशन कुमार ने, और इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए हैं अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल, शरद, केलकर और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही शानदार रिव्यूज मिले हैं और ऑडियंस का अभी तक बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। और इसे 2 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी और मराठी, और इसे रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड लगभग 4,540 स्क्रीन पर। और दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार कमाई की और धमाकेदार कमाई के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और बस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है। दोस्तों, ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जो रिलीज के इतने दिन बाद भी इतनी शानदार कमाई करती है। दोस्तों, तानाजी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो आपको बता दें, इसने अपने 23वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 5 करोड़ 13 लाख रुपए और ये अपने 24वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 6 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 24वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 6 करोड़ रुपए। और अगर बात करें 24वें दिन इन तीनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें, तानाजी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, तानाजी फिल्म ने मारी बाजी। दोस्तों, अगर आपने ये तीनों फिल्में देखी है, तो आपको इन तीनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, केजीएफ, बाहुबली या तानाजी? इन तीनों में से कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, अजय देवगन सर, सुपरस्टार प्रभास या यश? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।